प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं कि कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना मुश्किल है। वहीं नेपाल में तारा एयर के दुर्घटनाग्रस्त विमान की जगह पता लगा ली गई है। नेपाल सेना ने घटना स्थल का फोटो जारी किया है जिसमें दुर्घटनाग्रस्त विमान दिखाई दे रहा है। अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई है। ताज़ा मामला ओल्काहोमा में स्मृति दिवस समारोह का है जहां फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के 142वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। इससे 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप सब बच्चों को मिलेगी। इस फंड ने कोरोना काल के दौरान अस्पताल तैयार करने में, वेंटिलेटर्स खरीदने, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में भी बहुत मदद की। इस वजह से कितने ही लोगों का जीवन बचाया जा सका, कितने ही परिवारों का भविष्य बचाया जा सका। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है तो देश का आत्मविश्वास, देशवासियों का खुद पर भरोसा अभूतपूर्व है। भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ के घोटाले और भाई भतीजावाद देश भर में फैल रहे, आतंकी संगठन, क्षेत्रीय भेदभाव, जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा हुआ था उसे बाहर निकल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब ऐसे बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लेंगे तो भविष्य के सपनों के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। इसके लिए 18 से 23 साल तक की उम्र के युवाओं को हर महीने वजीफा मिलेगा और 23 साल के होने पर उन्हें 10 लाख रुपये मिलेंगे।